गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास। हमने हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू किया था? हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 11, लालची रानी। ठीक, इसमें क्या था, एक बार मैं फिर से शॉर्ट समरी बोल दे रही हूँ। एक तितली होती है, उसका नाम रानी होता है, और उसको बहुत घमंड होता है अपने पंखों पर, क्योंकि उसके पंख बहुत खूबसूरत थे। वो सोचती थी उसी को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाया है, और बाकी सबको वो दुखारती थी, और अपने आप को बहुत घमंड से कहती थी मैं कितनी सुंदर हूँ, ये हूँ। तो उसको रस पीने का बहुत शौक़ था, तो अलग अलग फूलों पर जाके रस पी रही थी। उसका पेट भर गया था, फिर भी ज़बरदस्ती पी रही थी। तो उसने तालाब में एक कमल देखा, कमल देख के उसका बहुत मन हुआ कि वो बहुत मीठा था, वहाँ जाओ। लेकिन तब तक तो वो बहुत पी चुकी थी, उड़ नहीं पा रही थी, और ज़बरदस्ती करने की कोशिश में वो कहाँ गिर जाती है, झाड़ियों में गिर जाती है, और झाड़ियों में फंस कर उसके सारे पंख टूट जाते हैं। और उसके बाद उसके दोस्त लोग उसको लेके आते हैं, जैसे तैसे घर पहुँचा जाते हैं। इससे आज उसको ये समझ में आ गया था कि लालच करना क्या है, बुरी बात है, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना बुरी बात है। तो लालच के कारण उसका आज ये घमंड टूट गया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कराया था, वर्ड मीनिंग्स, इस चैप्टर का क्या कराया था, वर्ड मीनिंग्स। आओ फिर से एक बार वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। सुंदर, खूबसूरत, फिर घमंड, घमंड का मतलब अभिमान, फिर सहारा, सहारा मतलब सहायता, फिर सुनहरे, सुनहरे मतलब गोल्डन, सोने के रंग के, मुश्किल, मुश्किल मतलब कठिन, लालच, लालच मतलब लोभ। तुम लोग कोई भी चीज़ हिंदी अगर लर्न करना, लिख लिख के, ताकि तुम लोग का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब आओ क्वेश्चन आंसर में, जो कि मैंने करा दिया था, क्या है, तितली को अपने ऊपर घमंड क्यों था, तितली को अपने ऊपर किस लिए घमंड था, तितली के पंख बहुत सुंदर थे इसलिए उसको अपने, तितली को अपने पंखों के कारण घमंड था। ठीक है, अपने सुंदर पंखों के कारण घमंड था। उसके बाद तितली रानी के पंख कैसे टूटे, झाड़ियों में फंसकर तितली रानी के पंख टूट गए। ओके, झाड़ियों में फंसकर तितली रानी के पंख टूट गए। उसके बाद तितली को क्या समझ में आ गया था, तितली को यह समझ में आ गया था कि लालच करना बुरी बला है, बुरी बात है। ठीक है, यही है, ये थी, हम लोग लास्ट डे यहीं तक किए थे, ये हुआ रिवीजन। अब आओ चलो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, लिखिए सही उत्तर पर टिक का निशान लगाए, मतलब चूज द करेक्ट आंसर है। क्या लिखा है नंबर का हमें, तितली का क्या नाम था, तुम्हें पता है, रानी। यहाँ ऑप्शन देखो, रानी, नानी, धानी, मानी, तो यहाँ क्या होगा, रानी। अच्छा, ख, ख में क्या लिखा है, तितली ने किन किन फूलों का रस पिया था, मतलब कौन कौन से फूलों का रस पिया था, याद करो। पहला लिखा है कनेर, गुलाब, चमेली। दूसरा लिखा है गुलाब, चमेली, गेंदा। फिर कमल, सूरजमुखी, चमेली। अच्छा, गेंदा, जूही, कमल। ठीक, कौन सा होगा नंबर टू, गुलाब, चमेली, गेंदा। ओके, उसने एक के बाद ऐसे सीरीज में रस पिया था, ये तो हो गया। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, कैसे लिखा है, वाक्य पूरे कीजिए। ठीक, नंबर क, क्या लिखा है, रानी बाग में फूलों का डैश पी रही थी। सबको पता है फूलों का वो क्या पी रही थी, रस, रस, क्या पी रही थी, रस पी रही थी। क्या होगी स्पेलिंग, र और ये स, रस। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तालाब में डैश खिला था, तालाब में क्या खिला था, तालाब में कमल खिला था, नंबर क, कमल, कमल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, उसके डैश पंख कांटों में फंस गए। उसके कैसे पंख थे, उसके सुंदर पंख कांटों में फंस गए, तो इसका आंसर होगा सुंदर। देखो, सुन बोल रहे हो, ये करोगे और यहाँ बिंदी, फिर द, र, सुंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बुक में क्या दिया है,
दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। उल्टे अर्थ मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, जो तुम लोग एंटोनिम्स पढ़ते हो इंग्लिश में उसको यहाँ पे उल्टे अर्थ बोला है, वह विपरीत शब्द। ठीक है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, छोटा, बुरा, कांटा, कड़वा, बदसूरत, कम। अब हम लोग इसको एक बार करेंगे। ठीक, नंबर क क्या लिखा है? फूल। नंबर क लिखा है फूल, फॉर्म में बड़ा उला फूल। अच्छा, फूल का उल्टा क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा कांटा, मतलब विपरीत शब्द का उल्टा शब्द, उल्टे अर्थ वाला शब्द कांटा, फूल कांटा। ठीक, अच्छा क ख में क्या दिया हुआ है? ख में दिया है बड़ा, बड़ा मतलब बिग। ठीक, तो बड़ा का ऑपोजिट होगा छोटा। छ ओ की मात्रा, ट में आ की मात्रा, छोटा। ठीक है, उसके बाद ग, ग में क्या लिखा है? सुंदर, सुंदर। ठीक, सुंदर मतलब बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा? बदसूरत मतलब अगली, बदसूरत। ठीक है, बदसूरत हो गया। फिर देखो घ में, घ में क्या लिखा है? मीठा, मीठा मतलब स्वीट, और मीठा का उल्टा होता है कड़वा। क्या? कड़वा, कड़वा। ठीक है, कड़ा बम्या की बात। फिर नेक्स्ट है अच्छा, अच्छा का मतलब उल्टा होगा बुरा, बमे छोटा उ र में आ की मात्रा, बुरा। फिर उसके बाद बहुत, बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मोर, और लेस मतलब कम, कम कम। तो ये था अपोजिट वर्ड, फूल काटा, बड़ा छोटा, सुंदर बदसूरत, मीठा कड़वा, अच्छा बुरा, बहुत कम। ठीक, इन्हें तुम्हें लर्न करना है। इसके बाद मैंने कॉपी में तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाए हैं। ठीक है, तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है। पहला, तितली का क्या नाम था? सबको पता है तितली का नाम रानी था। आंसर क्या होगा? तितली का नाम रानी था। उसके बाद तितली के पंख किस रंग के थे? रंग किस रंग के थे? तो तुम लोग लिखोगे तितली के पंख सुनहरे रंग के थे। किस रंग के थे? सुनहरे रंग के थे। फिर एक दिन रानी बाग में क्या कर रही थी? बाग में जाके वो क्या कर रही थी? रस पी रही थी ना। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? एक दिन रानी बाग में फूलों का रस पी रही थी, फूलों का रस पी रही थी। ठीक है, ये था एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर तीन। और ये छोड़ के मैंने क्या लिखाया है? वाक्य बनाओ। ओके, क्या लिखाया है? वाक्य बनाइए, मतलब मेक सेंटेंस। देखो स्पेलिंग है वाक्य बनाइए। तो नंबर वन क्या है? नंबर वन है सुंदर। तो तुम क्या लिख सकते हो? मेरी माँ बहुत सुंदर है। हाँ, मेरी बहन बहुत सुंदर है, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर से ही दिया है तितली के पंख बहुत सुंदर हैं। तितली के पंख बहुत सुंदर है। ओके, तितली के पंख बहुत सुंदर है। फिर नंबर टू मैंने लिखाया है तितली। उसमें क्या लिखा है? तितली उड़ रही है, तितली उड़
रही है, ठीक। और लास्ट दिया है मैंने लालच। लालच का क्या होगा, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही चीज मैंने तुम्हें इस चैप्टर से एक्स्ट्रा में कराया है। सो जो भी कराया है उसको रीड करना, पढ़ लेना, लिखना और लर्न कर लेना। आज के लिए यहीं तक, आज हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।